गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, यहां पार्ट 67 करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस के अंतर्गत सिंटैक्स में हम किसी भी प्रकार की कोई गलती अगर वाक्य के अंतर्गत दी गई है तो कैसे करेक्ट करेंगे, कैसे शुद्ध करेंगे, उसका एक्सरसाइज हल किया जाए। The gold is heavier metal than iron. जब किसी material noun का प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। हाँ, किसी विशिष्ट material noun की बात हो तो आप बात समझ में आती है। जैसे मान लीजिए कहना हो सोना महंगी धातु है, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, गोल्ड के आगे कुछ नहीं लगा। लेकिन वही कहना हो किसी विशिष्ट सोने की बात की जाए तो दी गोल्ड ऑफ माई रिंग, मेरे सोने की मेरे अंगूठी का सोना, दी गोल्ड ऑफ माई रिंग, मतलब केवल एक रिंग की बात की जा रही है, इज प्योर। अन्यथा जनरली किसी भी मटेरियल नाउन के पहले ए एन डी का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां से डी को हटाएंगे और हो जाएगा गोल्ड इज हेवियर मेटल देन आयरन। दूसरा है काइंड मैन विल पीटी पुअर। जब भी किसी एडजेक्टिव का प्रयोग मल्टीपल नाउन के लिए किया जाता है तो उसके पहले डी अवश्य आता है। काइंड मैन विल पीटी दी पुअर, यानी पुअर के पहले आप डी लगाएंगे। दी रिच का मतलब अमीर लोग, दी पुअर का मतलब दी गरीब लोग, उसके आगे नाउन नहीं डाला जाता। तीसरा, आई वेंट आउट फार वॉक, फार वॉक में फार ए वॉक, यानी वॉक के पहले आप ए लगाएंगे। नंबर चार, आई नो फ्रेंच दी फ्रेंच एंड दी इंग्लिश, मैं फ्रांसीसी भाषा और अंग्रेजी भाषा जानता हूं। देखिए भाषा चाहे कुछ भी हो, बहुत सारे देश ऐसे हैं उनका लैंग्वेज का भी वही नाम है और वहां के लोगों के लिए भी वही कहा जाता है। जैसे इंडिया देश का नाम है लेकिन यहाँ जो बनता है वह इंडियन भारतीय लोग कहा जाता है, लेकिन इंग्लैंड के अंतर्गत इंग्लिश भाषा है और उसके पहले अगर दी इंग्लिश लगा दिया तो वहां के लोग हो जाएंगे अंग्रेज। दी इंग्लिश का मतलब अंग्रेज और आर्टिकल हटा दिए तो इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी। वैसे फ्रेंच, फ्रेंच भाषा है और दी फ्रेंच लगाएंगे तो फ्रांसीसी लोग। जर्मन भाषा है और जर्मन पहले दी अगर आपने लगा दिया दी जर्मन तो इसका मतलब जर्मनी के लोग। अब यहां क्या लिखा हुआ, दी फ्रेंच लिखा है, मैं फ्रांसीसी और अंग्रेजी जानता हूं, तो दोनों जगह से दी हटाइए नहीं तो यहां पर लोग हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज। Who was गन पाउडर्स इन्वेंटर, गन पाउडर का खोजकर्ता कौन था, यानी किसने गन पाउडर की खोज